हनुमान तला की जय। और इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि हनुमान जी को अगर आप चोला चढ़ा रहे हो तो चोले में क्या चीज चढ़ानी जरूरी है जो हनुमान जी खुश हो जाएगा। हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे ना, तो उनका लेफ्ट पैर जो है ना वहाँ पे पूरा मंदिर के ऊपर ऐसे रखा गया था, मंदिर बना हुआ है जहाँ पे उनका पीछे ये एडी का हिस्सा होता है ना उस साइड में मंदिर बना हुआ है, और आगे जो हेलीपैड से बना हुआ ना वो जो है उनका पंजा रखा था वहाँ पे आगे। बढ़िया लग रहा है, मस्त जी हमारे हनुमान जी, और ये हमने लिखवा लिया सारा सामान हनुमान जी के चोले का जो हमें चढ़ाना है। ये श्री राम जी, जय श्री राम। और ये तुम्हारा भाई सिस्टर। हाँ जी, तो हमने उठाई वो पर्ची और हम आ गए सीधा हनुमान जी के चोले का सामान लेने। ये हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा मशहूर दुकान है जहाँ से हम सारा सामान ले सकते हैं, मतलब एक ही छत पे हमें सब कुछ मिल जाता है एक छत के नीचे। तो हमने यहाँ से हनुमान जी के चोले का सारा सामान लिया। क्या क्या डलता है? और ये बीड़ा पान होता है, जैसे कि भैया ने आपको बताया कि ये डलता है हनुमान जी के पान के लिए, मीठा पान होता है, तो उनको ये बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है ये चीज़। हाँ जी, तो आप जैसे देख रहे हो कि हनुमान जी के पान बन गया है, इसको हम घर पे ले आके फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में कल सुबह चलेगा मंदिर। तो सारा सामान ले आए, ये हनुमान जी का चोला कितना सुंदर है ना, और ये वाला डालिए, ये आपका सिंदूर है ना, और बाकी सामान यहाँ पे लिया है हनुमान जी के लिए। फेवरेट हनुमान जी की जो है सबको पता है भाई, कम नहीं बता देना ठीक है, तो फिर कल मजा आएगा। काफी हो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये रहे हमारे हनुमान जी। देखो मैं लेके आया था वाले हनुमान जी, कहाँ से लेके आया था पता, कसोली से। और भाई वो वाली वीडियो में लिंक डाल दो डिस्क्रिप्शन में, बहुत मतलब बहुत प्यार दिखाया उस वीडियो को आप लोगों ने, ठीक है। तो उस वीडियो को जाके देखना, वहाँ पे असली में हनुमान जी का जो है ना पूरा पैर छपा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट फुट में जाकर छपा हुआ है पूरा, ठीक है। वो मैंकी पॉइंट के नाम से जाना जाता है ना, तो वो वाला व्लॉग जरूर देखना, बहुत प्यारा है। मंदिर की हिस्ट्री ऐसी थी, जैसे जब राम जी और रावण की लड़ाई हुई थी ना, तो उसमें क्या था, लक्ष्मण जी को जब तीर मार दिया था तो उनको चोट लगी थी, तो उनको कहा था कि हनुमान जी को कि जाके संजीवनी बूटी लेके आओ राम जी ने। तो फिर हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे ना, तो उनका लेफ्ट पैर जो है ना वहाँ पे पूरा मंदिर के ऊपर ऐसे रखा गया था, पूरा रख दिया था उन्होंने लेफ्ट पैर, तो उससे क्या है, तो पूरा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे उनका पीछे ये एडी का हिस्सा होता है ना उस साइड में मंदिर बना हुआ है, और आगे जो हेलीपैड से बना हुआ है ना वो जो है उनका पंजा रखा था वहाँ पे आगे पैर का, ठीक है। और यहाँ पे रखा था लेफ्ट, और राइट पैर जो है ना वहाँ पे झाकू टेम्पल है शिमला में, तो वहाँ रखा था। तो ये पूरी हिस्ट्री थी जो इस मंदिर की थी। यहाँ पे बहुत मज़ा आया भाई, आर्मी के अंडर था। और कसोली मेन जो है ना हनुमान मंदिर है यहाँ पे, उसके लिए जहाँ जाता है सबसे छोटा स्टेशन है, मतलब भीड़ भी कम रहती है, तो यहाँ पे एक बार तो विजिट करना बनता है। हनुमान जी बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को, बहुत सुंदर लगते हैं मेरे को, और ऐसे ही मैं कल ऑरेंज कपड़े पहनूंगा तुम्हें, ठीक है। हाँ जी, तो जय श्री राम सभी को। ये तो हम देव तैयार हो गए और आज हम जा रहे हैं, आज सावन का पहला दिन भी है। और इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि हनुमान जी को अगर आप चोला चढ़ा रहे हो तो चोले में क्या चीज़ चढ़ानी जरूरी है जो हनुमान जी खुश हो जाएगा। आज के टाइम में भाई सब लोग ज़्यादातर परेशान है, ठीक है, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी की जॉब सही नहीं है, है तो इस सब परेशानियों का हल क्या है इस वीडियो में आगे पता लगेगा। और आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ कि आप लोग भी खुश रहे अपने जीवन में। खाई दिया था मैं रात को, ले आया था सामान, अभी पापा ने सुबह सुबह घी का दीपक बना दिया, जरूरी लेके जाना होता है। पर मैं यार लॉकडाउन से टाइम था ना, लॉकडाउन के टाइम पे चलाया था एक बार छोला, जब लॉकडाउन होने के बाद 2020 में, ठीक है। और पता नहीं है, समझ नहीं आया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है ना। सामान तो ले लिया, पंडित जी जैसे जैसे करेंगे स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाता रहो, है ना, मैं तो भूल भाल गया कि कैसे होता है क्या होता है ना। और यार एक चीज़ तो कोई भूल रहे हैं, मुझे लग रहा है वो रख लिया सब कुछ रख लिया। अब पान तो रह गया फ्रिज में यार, पान जैसे कि आप देख रहे हो अपने हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पंडित जी ने पहले हमसे सिंदूर लिया, और उसके साथ हनुमान जी को बहुत प्रिय है चमेली का तेल, या फिर आप घी मक्खन जो भी है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इत्र डाला पंडित जी ने घोल के, फिर हनुमान जी को जो है ना पैरों से लेके ऊपर तक जाते हैं लगाते लगाते। पंडित जी जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, और हम साथ ही साथ राम राम जी का जप कर रहे थे,
तो हनुमान जी को बहुत प्रिय है जो राम जी का नाम लेता है, तो आप लोग जरूर लिया करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखो। और फिर पंडित जी ने हनुमान जी को चोला पहनाया और फिर उसके बाद हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद हमने हनुमान जी को झंडा चुरा के अपने घर पे लिया जो हम अपने घर पे लगाएंगे, आप लोग भी जरूर लगाना। हाँ जी, तो भाई घर आ गए यार, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना और जय श्री राम लिख देना। और आज जो है ना भाई, हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बर्थडे भी आज 4 जुलाई, ठीक है, तो इससे बढ़िया दिन क्या होता है हनुमान जी को चोला चलाने का। और अपने मतलब जो 7 व्रत रखे थे मैंने हनुमान जी के अध्यापन करने का, इससे बढ़िया दिन मेरे को नहीं लगता कोई और होता है ना। तो जय श्री राम लिख देना। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बता देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। अगर किसी को भी हेल्प हुई हो तो भाई कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अगर कोई भूल चुके हो, कोई गलती हुई हो कमेंट में बताना, अगली बार जब चोला चलाएंगे तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब हनुमान जी का मेरे को पता है कि हनुमान जी का ना जैसे पेट भरता नहीं है, खाना खिलाता है जितना मर्जी, पर राम जी ने बोलता है कि तुलसी का पत्ता जरूर रखना उनके खाने में, तो उनका पेट भर जाता है। तो इसलिए भी हमने भी तुलसी का जो है पत्ता रखा था, तो उससे उनका पेट भर जाता है, तो उनको भी संतुष्टि मिलती है और हमें भी, है ना। तो बाकी जो सबकी मनोकामना भाई पूरी हो, ठीक है। तो अपनी YouTube फैमिली को फटाफट बढ़ाओ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग। जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, मेरे को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग।